का वो राज जो नायरा चाहती थी कार्तिक के सामने कभी ना आए, आज इस चिट्ठी के जरिए कार्तिक के सामने आ गया है। मन में ये डर था कि अगर कार्तिक को उसके और राघव के अतीत के बारे में कुछ पता चल गया तो उसका रिश्ता खतरे में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्तिक ने इस चिट्ठी की बातों को नजरअंदाज करते हुए ये ठान लिया है कि वो अपनी नायरा का साथ देंगे। इस बात की तह तक जाऊंगा मैं, इसलिए नहीं कि मुझे नायरा पर कोई शक, पर इसलिए कि इस राघव को मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। तीनों राघव का कोई रिश्ता रहा हो या ना हो, पर नायरा का उससे कोई रिश्ता नहीं, इस बात का मुझे पूरा यकीन। उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उसकी इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है, और ये मैं हर केस होने नहीं दूंगा। एक्चुअली लेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है जिसकी वजह से नायरा की इमेज खराब हो सकती है, उसके रिलेशन खराब हो सकते हैं अपने में, बहुत कुछ लिखा हुआ है। स्पेशली मतलब बोलूंगी नायरा के लिए नहीं, लेकिन हाँ ऋषिकेश की तीनों के बारे में उसमें लिखा हुआ है काफी कुछ, एंड वो एक ऐसी चीज है जिससे नायरा का रिलेशन सबके साथ खराब हो सकता है। नायरा के साथ कार्तिक क्या उसकी माँ सुवर्णा भी है, और अब इन दोनों का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह राघव के बारे में पता लगाया जाए कि क्या सच है और क्या झूठ। देख के अच्छा लगता है कि कार्तिक उस पे ट्रस्ट करता है, उस लेटर की बातों पे ट्रस्ट नहीं करता है, एंड किसी भी तरीके से हम दोनों कोशिश करेंगे कि जैसे भी लेटर आया है उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए, लेटर की सच्चाई सामने आनी चाहिए, एंड उस इंसान की सच्चाई सामने आनी चाहिए जिसने ये लेटर यहाँ तक पहुँचाया। नायरा अब तो अपने आंसू पोंछ लीजिए, डर के मारे आपके लड़खड़ाते कदमों को थामने के लिए कार्तिक आपके साथ ही खड़े हैं, और जब आप दोनों साथ हैं तो फिर हर मुश्किल हल हो जाएगी।